हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं हूं मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं पैरानेजल साइनेसिस के बारे में। तो गाइज, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो गाइज, हम बात करने वाले हैं पैरानेजल साइनेसिस की। पैरानेजल साइनेसिस नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। पैरा नेजल साइनस, साइनस मतलब क्या है, कैविटी है। नेजल मतलब नाक हो गया। पैरानेजल मतलब नेजल कैविटी के अराउंड जो है कुछ बोन्स हैं उनके अंदर क्या है, होलो कैविटी है। जैसे मैक्सिला बोन हुआ, उसके अंदर कैविटी है होलो, उसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इसी तरह डिफरेंट बोन है उनके अंदर कैविटी है और वो नेजल कैविटी के अराउंड प्रेजेंट है। मतलब हमारी नाक के अराउंड जो बोन्स हैं उसके अंदर जो होलो कैविटी है उसे हम बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। तो दीज आर द म्यूकस लाइंड। म्यूकस लाइंड है मतलब जो लाइनिंग होगी इन साइनस की, ये मान लो एक बोन है उसके अंदर ये होलो कैविटी प्रेजेंट है, तो इसकी लाइनिंग कौन कर रहा है, ये पर्पल कलर से बना रहा हूं। ये मान लो ये लाइनिंग किसकी लेयर है, ये म्यूकोसा की लेयर है। तो म्यूकोसा लाइंड एयर फील्ड, भाई कैविटी है तो हवा से फील्ड होगी। होलो कैविटी विद इन सम बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी, ये बात हमने कर ली। नेजल कैविटी के अराउंड कुछ बोन्स हैं उसके अंदर होलो कैविटी प्रेजेंट है जो कि म्यूकोसा से लाइंड है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दे सिक्रीट म्यूकस। म्यूकोसा की लाइनिंग है तो क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये जो म्यूकस हमारी नोज में आता है वो यहीं से आता है, इन्हीं पैरानेजल साइनसिस से ड्रेन होके वो आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, म्यूकस इज ड्रेन इन टू द नोज, नाक में ड्रेन होता है थ्रू इट्स लेटरल वॉल के थ्रू, थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द ओस्टियम। तो जो ओपनिंग है साइनसिस की, हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज के अंदर जो ओपनिंग है साइनसिस की, जहां से वो अपना म्यूकस जो है नोज के अंदर डाल देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, ओस्टियम। उस ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टियम। उसके बाद क्या होता है ना, ये म्यूकस, अब हमारे नोज के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, वो सीलिया बैकवर्ड मूवमेंट करके इस म्यूकोसा को कोएना, मतलब पोस्टीरियर ओपनिंग जो थी नाक की जिसे कोएना बोलते हैं, उसके थ्रू पीछे की तरफ भेज देता है, निकाल पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, होलो कैविटी क्या करेगी बोन के अंदर, स्कल को हल्का बनाएगी, टू मेक द स्कल लाइटर। नेक्स्ट इसका क्या काम है, जो हवा हम सांस के थ्रू लेते हैं उसको वार्म अप करना और उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करना। ठीक है, और क्या है, रेजोनेंस ऐड करती है वॉइस में। अब ये जो पॉइंट है रेजोनेंस का, इसी के कारण अगर कोई इन्फेक्शन होता है साइनस का तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो साइनोसाइटिस नहीं बोलते कि इन्फेक्शन हो गया, म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है, तो साइनोसाइटिस के अंदर हमारी आवाज चेंज हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइनस जो है वो रेजोनेंस ऐड करते हैं वॉइस में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डेवलपमेंट की। तो ये क्या होता है, या तो ये रूडिमेंट्री है या फिर एब्सेंट है बर्थ के टाइम पे। मतलब जब जन्म होता है हमारा तो या तो ये किसी काम का नहीं होता अगर होता है तो, और या फिर ये होता ही नहीं है बर्थ के टाइम पे। जबकि ये एनलार्ज करता है 6 से 7 साल की उम्र जो होती है हमारी, उस टाइम पे ये एनलार्ज करना शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ साइनस है, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी इनके नाम की। एक है मैक्सिलरी साइनस, एक है फ्रंटल साइनस, एक है स्फीनोइडल साइनस, एक है इथमोइडल साइनस। अब मैक्सिलरी साइनस किस बोन में होगा, मैक्सिला में, फ्रंटल साइनस फ्रंटल में, स्फीनोइडल साइनस स्फीनोइड में, और इथमोइडल साइनस होगा इथमोइड बोन के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले, अभी हमने जो बात की चारों साइनसिस की, मैं उसको एक डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये हमारे पास डायग्राम है साइनसिस का। ठीक है, ये हमारे पास साइनसिस का डायग्राम है। तो ये आगे की तरफ नाक है, ये हम क्या कर रहे हैं, बीच से काट के साइड से देख रहे हैं। हम कौन से साइड से, राइट साइड से हम देख रहे हैं। तो सेजाइटल सेक्शन हो गया। अच्छा जी, तो ये जो बोन है हमारी नाक के जस्ट इधर साइड में, मतलब हमारी गाल जो होती है चीक्स, उसके पीछे जो बोन होती है वो होती है मैक्सिला। तो मैक्सिला बोन के अंदर कौन सा साइनस है, ये जो है ये होलो कैविटी है मैक्सिला बोन के अंदर, इसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, जो मैं लाइट ब्लू कलर में लिख रहा हूं, मैक्सिलरी साइनस। अच्छा, यहां ऑर्बिट होता है, ऊपर आंख होती है ना, यहां ऑर्बिट होते हैं। तो ऑर्बिट के अराउंड कौन सी बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है। तो यहां पे कौन सा साइनस है, ये वाला पर्पल कलर में, फ्रंटल साइनस। ठीक है, अब जो मैंने रेड कलर से पीछे की तरफ दिखा रखा है, पीछे की तरफ होती है स्फीनोइड बोन, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वगैरह भी जाती है, तो वो सब चीजें कैवर्नस साइनस में पढ़ेंगे। तो ये जो है स्फीनोइड बोन है, उसके अंदर जो ये साइनस दिख रहा है, ये है स्फीनोइडल साइनस, स्फीनोइडल साइनस।
और लास्ट जो मैंने पिंक कलर से जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे ये दिखा रखे हैं, ये होती है इथमोइडल साइनस। तो जो आगे की तरफ है वो है एंटीरियर इथमोइडल साइनस। वैसे तो दो बोलते हैं कि एंटीरियर होता है एक पोस्टीरियर होता है, लेकिन जो बीडीसी वाली बुक है उसमें दे रखा है कि एक मिडल इथमोइडल साइनस भी है। तो बीच वाला हो गया हमारा मिडल और पीछे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस। इथमोइडल मतलब इथमोइड बोन के अंदर ये प्रेजेंट है। ये हो गया पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, ये हो गया एंटीरियर इथमोइडल साइनस। अगर मैं कलर करूं तो ये है हमारा फ्रंटल साइनस, लाइट ब्लू कलर में जो है ये है हमारा मैक्सिलरी साइनस, पिंक कलर में जो हमने देखा है ये है हमारे इथमोइडल साइनस, और पीछे रेड कलर में जो है ये है स्फिनोइडल साइनस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ओपनिंग अगर हम देखें, हमने बात की चार साइनसेस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे हमने लिखा था लेजोरेक्राइमल डक्ट वगैरह वो सब, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इस चीज की बात की थी कि एक तो हमने एक बात की थी कि ये सब चीजें ड्रेन करती है नेजल कैविटी में। ठीक है, तो नेजोलेक्राइमल डक्ट थी सबसे पहले, वो इन्फीरियर मिएटस में कर रही थी। मिएटस क्या था, मिएटस था ये वाला डायग्राम हमने देखा था कि ये टर्बिनेट्स निकल रहे थे प्रोजेक्शन के रूप में, और उसके नीचे जो ये स्पेस खाली था ना हर एक टर्बिनेट के नीचे, उसे बोलता था हमने मिएटस। तो तीन मिएटस थे, सुपीरियर मिएटस, मिडल मिएटस और इन्फीरियर मिएटस। तो ये जो है नेजोलेक्राइमल डक्ट, ये हमारी इंफीरियर मिएटस में ओपन की थी। उसके बाद तीन जो चीजें थी वो मिडल मिएटस में कर रही थी, कौन, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एंटीरियर इथमोइडल एयर सेल्स। उसके बाद पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल कर रहे थे सुपीरियर मिएटस में, और स्फिनोइड साइनस SER मतलब स्फिनोइड मोडल रिसेस में। तो इन सबको हम ना डायग्राम में देखते हैं इनकी ओपनिंग्स को। तो ओपनिंग सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने यहां से कोनका को रिमूव कर दिया, इस डायग्राम में कोनका को रिमूव कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा दिखता है हमको। तो जो ये रेड कलर में मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये एलिवेशन होती है, हमने बात की थी इथमोइडल बुल्ला, बुल्ला इथमोइडलिस। उसके अंदर हमने बात की थी कि एक बोन उसको कवर करती है, अनसिनेट प्रोसेस। फिर हमने बात की थी कि जो स्पेस की बात की थी, और स्पेस का जो दरवाजा था उसकी बात की थी, हाइटस सेमिलोनेरिस। तो ये जो मैंने बनाया है इधर, जो आप ये देख रहे हो दो लाइन मैंने बना रखी है रेड कलर में, ये है हमारा हाइटस सेमिलोनेरिस। अब हाइटस सेमिलोनेरिस जो है इसके आगे की तरफ इधर ओपनिंग होती है, ये किसकी ओपनिंग है, एंटीरियर ना फ्रंटल साइनस की। तो ये जो आप देख रहे हो ये है फ्रंटल साइनस की ओपनिंग, तो फ्रंटल साइनस की ओपनिंग होगी ये वाली। ठीक है, इसके जस्ट पीछे की तरफ होती है किसकी ओपनिंग, ये वाली जो है ये है एंटीरियर इथमोइडल साइनस की। और हाइटस सेमिलोनेरिस के पीछे या फिर बोल सकते हैं नीचे वाले पार्ट में ओपनिंग होती है किसकी, ये क्या है हमारा मिडल, मिडल नहीं, मैक्सिलरी साइनस। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग, ये यहां पे जाके ओपन करते हैं, ये लेटरल वॉल ऑफ नोज है उसकी, यहां पे जाके ड्रेन, मैंने बताया था ना ड्रेन करते हैं ओस्टियम के थ्रू, तो वही ओस्टियम है, ये ओपनिंग है। उसके बाद एक जो बच गया, यहाँ पे ओपनिंग होती है मिडल एंड मिडल इथमोइडल साइनस की, जो कि कई बुक्स में होता है मिडल मिएटस लिखा होता है, कईयों में नहीं होता। ठीक है, इथमोइडल की बात कर रहे हैं, मिडल इथमोइडल साइनस कईयों में बुक्स में लिखा हुआ है कि है, कई में लिखा हुआ है नहीं है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर हम मेनली देखते हैं। तो ये बात करने के बाद हमने लिखा था ये कौन सा पार्ट था, ये इसके नीचे वाला पार्ट था सुपीरियर मिएटस, इसके नीचे हमने देखा मिडल मिएटस, और सबसे नीचे वाला जो ये आप दिख रहे हो कोन का निकालने के बाद, इसके नीचे वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये इन्फीरियर मिएटस। तो इन्फीरियर मिएटस में इधर ओपनिंग होती है किसकी, नेजोलेक्राइमल डक्ट की, NLD मतलब नेजोलेक्राइमल डक्ट। और क्या बच गया, स्फिनोइडल साइनस बच गया और पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस बच गया। तो पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस हमने बात की थी खुलता है सुपीरियर मिएटस में, तो ये हो गया पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, स्फिनोइडल साइनस बच गया। तो स्फिनोइडल साइनस यहां से ओपन कर जाता है किसके अंदर, ऊपर वाला पार्ट क्या था, सुपीरियर मिएटस के ऊपर वाला पार्ट क्या था, नहीं सुपीरियर मिएटस नहीं, सुपीरियर कोन का या सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर वाला पार्ट को हम बोल रहे थे SER, स्फिनो इथमोइडल रिसेस। वहां पे कौन ओपन करता है, ये क्या है, यहां पे ओपनिंग हो रही है किसकी, स्फिनोइडल साइनस की। तो
तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अलग अलग साइनस कैसे ओपन करते हैं। हाइटस सेमिलोनेरिस को देखा, जो कि दरवाजा था किसके अंदर खुलने का, स्पेस जो प्रेजेंट है किसके अंदर, इथमोइडल बुल्ला या फिर बोलते हैं बुल्ला इथमोइडलिस के बीच में, और किसके बीच में, अनसिनेट प्रोसेस के बीच में। अनसिनेट प्रोसेस क्या था, हमने बात की थी ना पिछले वीडियो में, ये एक एलिवेशन होती है जो मैंने रेड कलर से डार्क किया हुआ है, ये एलिवेशन होती है लेटरल वॉल ऑफ नोज में, जिसे बोलते हैं बुल्ला इथमोइडलिस। देखो ये एक एलिवेशन है जिसे बोलते हैं बुल्ला इथमोइडलिस। इस एलिवेशन को एक सिकल शेप्ड बोन कवर करती है जिसको बोला एनसिनेट प्रोसेस। दोनों का बीच का जो व्हाइट वाला स्पेस बचा, इसे हमने बोला था कल इथमोइडल इनफंडिबुलम। और जो ये दरवाजा जो है, जो इथमोइडल इनफंडिबुलम जो स्पेस है उसमें घुसने के लिए एक दरवाजा भी था हमारे पास, उस दरवाजे को बोला था हाइटस सेमिलोनेरिस। तो हाइटस सेमिलोनेरिस के आगे की तरफ खुलता है फ्रंटल साइनस, और पीछे की तरफ खुलता है मैक्सिलरी साइनस, और फ्रंटल साइनस के जस्ट पीछे खुलता है एंटीरियर इथमोइडल साइनस। ये था मिडल मिएटस। इन्फीरियर मिएटस में खुलता है नेजोलैक्राइमल डक्ट। सुपीरियर मिएटस में खुलता है पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, और जो सबसे ऊपर जो बचा स्पेस उसे बोला था स्फिनोइथमोइडल रिसेस, उसमें खुलता है स्फिनोइडल साइनस। उससे पहले हमने साइनस का डायग्राम देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिलरी साइनस की और फ्रंटल साइनस की, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें बात करेंगे हम स्फिनोइडल और इथमोइडल साइनस की। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर ये जो मैंने बताया एलिवेशन वगैरह, जो बुल्ला इथमोइडलिस वगैरह, ये इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जो कि हमारी मैंने अभी कल ही अपलोड की थी। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।